स्प्रिंग मूवी शुरू होती है और हम इवान और उसकी मॉम को एक कमरे में देखते हैं जहां उसकी मॉम की तबीयत खराब होती है। तभी उसकी मॉम उसे पास बुलाती है और उसे एक जोक सुनाती है। ये जोक सुनाने के बाद वो अपनी आखिरी सांस लेती है, लेकिन इवान इस बात को नहीं मानना चाहता और वो उन्हें बताने लगता है कि वो उनसे कितना प्यार करता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। अगले दिन उनके फ्यूनरल के बाद शाम को वो एक बार में अपने दोस्त टॉम के साथ बैठा होता है जहाँ वो काम करता था। तभी बार में सिगरेट ना होने की वजह से कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी इवान वॉशरूम जाने के लिए उठता है, लेकिन बीच में एक आदमी जो कि उस बार में कस्टमर होता है उससे बहस करने लगता है। तभी टॉमी माहौल को ठीक करने के लिए दूसरे आदमी को सिगरेट दे देता है, लेकिन वो आदमी टॉमी को मारने के लिए वाइन की बोतल उठा लेता है। पर तभी इवान उस पर अटैक करके टॉमी को उससे बचा लेता है और इस लड़ाई में वो उस कस्टमर के चार दांत तोड़ देता है। अब इस लड़ाई के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करा दी जाती है। पहले तो इवान इसे सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अगले सुबह जब वो उठता है तो पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी होती है और उसे समझ आ जाता है कि बचने के लिए अब उसे वहां से निकलना ही होगा। इसीलिए वो अपना पासपोर्ट उठाकर एक टैक्सी बुक करके वहां से जाने लगता है और वो पहली फ्लाइट भी बुक करवा लेता है। अगले दिन वो फ्लाइट से इटली पहुंच जाता है, लेकिन अब उसे शक होता है कि क्या लोग उसे अमेरिकन होने से इटली में एक्सेप्ट करेंगे। अब इटली में पहुंचकर वो जब एक क्लब में जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग उसके दोस्त बन जाते हैं और उसे उनके साथ काफी मजा आने लगता है। अगले दिन वो उन्हीं दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पर जाने लगता है और नए दोस्तों के साथ उसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रोने लगता है क्योंकि अब अकेलापन उसे सताने लगा था। फिर जब वो उनके साथ दूसरी जगह पर जाता है तो तभी चलते चलते उसे रेड ड्रेस में एक लड़की दिखाई देती है जो उसे काफी पसंद आती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर उससे बात कर सके। अब वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर घूमता है और जब वो लोग डिनर के लिए जाते हैं तो तभी वहाँ पर उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है, लेकिन इस बार इवान कोई मौका मिस नहीं करता और जाकर उससे बात करने लगता है। तभी वो लड़की उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन इवान उसे पहले एक नॉर्मल डेट पर ले जाना चाहता था, पर यह सुनकर वो लड़की उसे साफ मना कर देती है कि वो डेटिंग नहीं करती, लेकिन इवान फिर भी उससे बात करता है। और जब वो लड़की जाने लगती है तो इवान उसे वाइन ऑफर करता है। इस पर वो लड़की मे भी कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। फिर अगले दिन जब उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं तो इवान उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसका मकसद अब सिर्फ उस लड़की से मिलना था और वो उसके प्यार में पागल हो गया था। उसके दोस्त ये सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और अब इवान वहाँ रहने के लिए एक घर और जॉब भी ढूंढ लेता है। अब वो वहाँ पर सेटल हो जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की से मिलने जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम लुईस है। वो दोनों साथ में म्यूजियम जाते हैं जिससे इवान को लगता है कि लुईस एक आर्टिस्ट है। तभी इवान को वहाँ पर एक अजीब सी लड़की की तस्वीर दिखती है। तभी लुईस उसे बताती है कि वो एक साइंटिस्ट है और कुछ चीजों पर रिसर्च कर रही है। फिर ये दोनों साथ में इवान के घर पर चले जाते हैं और साथ में वक्त बिताने लगते हैं और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन तभी हम लुईस को देखते हैं जो कि अब पहले जैसे नहीं थी और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। तभी वो अपने उसी रूप में बाहर चली जाती है और अब से ये मूवी अलग टर्न लेने वाली थी। खैर, अब लुईस के साथ रात बिताने के बाद इवान लुईस को चाहने लगता है और वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी बाकी जिंदगी लुईस के साथ ही बिताएगा, लेकिन अभी तक वो लुईस के असली रूप से वाकिफ नहीं था। अब इवान दिन में फार्मिंग करता है और वहाँ खेती के बारे में नई नई चीजें सीखता है और शाम को वो लुईस से मिलता है और उससे बातें करता है। अब हर रोज वो दिन में खेतों में काम करता है और फिर शाम को आकर वो लुईस के साथ नई नई चीजें करता है। कभी वो उसके साथ डिनर पर जाता तो कभी समुद्र के किनारे बैठकर दोनों आपस में बातें करते और ये सब काफी अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन बीच बीच में हम लुईस के बदलते हुए चेहरे को देखते हैं जो कि सिर्फ हमें ही पता था और इवान को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम होता। तभी एक दिन इवान को पता चलता है कि लुईस जहाँ कहीं भी जाती है तो वहाँ पर एक मरा हुआ जानवर मिलता है, लेकिन इवान उसे एक कोइंसिडेंस समझता है। अगले दिन लुईस जब अपने क्लिनिक में एक पेशेंट को चेक कर रही होती है तो तभी वो पेशेंट कहता है कि उसे यहाँ पर कुछ बदबू आ रही है, लेकिन लुईस को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। पर तभी वो रियलाइज करती है कि वो फिर से एक मॉन्स्टर में बदल रही है। ये देखकर वो तुरंत वहाँ से एक सुनसान जगह पर चली जाती है जहाँ पर उसके साथ उसका पालतू खरगोश भी होता है। तभी वहाँ पहुँचते ही लुईस एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और फिर उस खरगोश की बलि चढ़ा देती है, जिसके बाद वो उसके खून को निकाल कर उससे दीवार
दीवार पर कुछ बनाने लगती है। फिर वो खुद को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को नहीं रोक पाती और उस खरगोश को खाने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि पहले वो इस चीज को एक इंजेक्शन देकर काबू कर लेती थी, लेकिन अब उसके अंदर का मॉन्स्टर खूंखार होता जा रहा था। अब ऐसे ही कई हादसों के बाद लुईस इवान से अलग होने की बात करती है। इवान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लुईस उसकी एक भी बात नहीं मानती, जिससे इवान गुस्सा हो जाता है। और अगले दिन जब वो खेत में जाता है तो उसे वहाँ पर उसका मालिक मिलता है। इवान उससे कहता है कि अब वो यहाँ से वापस जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ लुईस के लिए ही रुका हुआ था। लेकिन तभी उस फार्म पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। अब क्योंकि इवान एक इलीगल इमिग्रेंट था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से भाग कर कुछ दूरी पर आ जाता है और सोचने लगता है कि अब वो रात कहाँ बिताएगा, क्योंकि वो यहाँ पर अकेला था। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो लुईस के साथ ही रात बिताएगा। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो उसका दरवाजा चेन लॉक्ड होता है। तभी उसे घर में कुछ स्ट्रेंज आवाज सुनाई देती है। फिर वो उस चेन को तोड़कर दरवाजा खोल देता है। तभी जब वो अंदर जाता है तो उसे ऑक्टोपस की तरह एक क्रिएचर दिखता है। दरअसल अब लुईस उसी क्रिएचर में बदल रही होती है। तभी वो इंजेक्शन लेने की कोशिश करती है। तभी इवान घर में घुसकर उस इंजेक्शन को लुईस के गर्दन में लगा देता है, जिससे वो क्रिएचर शांत होने लगता है, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी में वो चिपचिपी चीज लगी होती है। अब जब लुईस ठीक होती है तो इवान उससे पूछता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, जिस पर लुईस उसे कहती है कि सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे दूर चले जाते। तभी इवान कहता है कि आखिर तुम हो कौन, पर लुईस उसे कुछ नहीं बताती। तो इवान वहां से जाने लगता है। उसे रोकने के लिए लुईस भी उसके पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक क्रिएचर है जो पिछले 2000 सालों से जिंदा है, और हर 20 साल बाद वो एक नए शरीर में बदल जाती है। और वो उसे बताती है कि तुमने म्यूजियम में जो फोटो देखी वो मेरी ही थी, और वो अब फिर से एक नए शरीर में बदलने वाली है, और ये सब चेंजेस उसकी बॉडी में उसी की वजह से हो रहे हैं। जब इवान उससे इन सब के बारे में और सवाल करता है तो लुईस बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि स्प्रिंग में हर 20 साल बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके एम्ब्रियोनिक सेल्स उसे इस तरह ग्रो करने में मदद करते हैं। अब लुईस ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है और उससे कुछ टाइम मांगता है। फिर वो कुछ दूरी पर जाकर सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो उसे समझ आता है कि लुईस से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसके बिना नहीं जी पाएगा। इसीलिए अब वो वापस से उसके पास चला जाता है। इवान लुईस से इस कंडीशन के बारे में और भी पूछने लगता है। लुईस उसे बताती है कि उसने उसके साथ इंटीमेट होते समय प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था ताकि वो उससे प्रेग्नेंट हो सके। और वो ये भी बताती है कि अगर वो किसी से प्यार करती है तो उसके बॉडी में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है, जो उसके एम्ब्रियो सेल्स को कंजप्शन से बचाएगा और उसकी अमरता जिंदा रहेगी। इवान उससे पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है, तो वो कहती है नहीं। लुईस उससे कहती है कि अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई नुकसान पहुँचे, क्योंकि मैं जब मॉन्स्टर बनती हूँ तो मुझे खुद को नहीं पता होता कि मैं किसे खा रही हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तभी इवान रोने लगता है और कहता है कि अब उसे उससे प्यार हो गया है और मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर लुईस उसकी बात नहीं मानती। तभी इवान उससे कहता है कि अभी इस चीज को रिवॉल्व होने में कितना टाइम बचा है, तो वो कहती है एक दिन। इवान ये सुनकर खुश हो जाता है और वो उसके साथ लास्ट के 24 घंटे बिताने के लिए पूछता है, जिस पर पहले तो लुईस मना करती है पर बाद में वो मान जाती है। अब इस 24 घंटे में इवान उसके साथ हर एक सेकंड एंजॉय करता है और उसके साथ पूरी रात बातें करता है। वो दोनों एक साथ कई जगहों पर जाते हैं जहां लुईस के अंदर का मॉन्स्टर बाहर आने लगता है, पर वो इंजेक्शन देकर उसे नॉर्मल कर लेते हैं। लेकिन अब आखिरी शॉट के बाद लुईस के पास इवान को रोकने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उस पर अटैक करने लगती है। अर्ली मॉर्निंग में घूमते हुए लुईस इवान को अपने गांव में ले जाती है जहां वो पैदा हुई थी। वो उसे अपने फैमिली की हिस्ट्री बताती है कि कैसे लावा ने सब तबाह कर दिया था, पर वो किसी तरह वहां से बच निकली थी। तभी लुईस को रियलाइज होता है कि अब उसके बदलने का समय आ गया है, क्योंकि अब सुबह होने वाली थी। इसीलिए वो इवान को वहां से चले जाने को कहती है, पर इवान उससे कहता है कि वो ना बदले। लेकिन लुईस कहती है कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी बॉडी ऐसा करेगी, और तभी उसकी बॉडी बदलना शुरू कर देती है। लेकिन इवान वहां से नहीं जाता और लुईस उसके गोद में सर रखकर लेट जाती है और चेंज होने लगती है, और इवान उसे प्यार और इमोर्टल होने के एक्सपीरियंस बता रहा होता है। तभी सूरज उग जाता है और तभी हम लुईस को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है, और उसके बॉडी पर बने निशान भी गायब हो जाते हैं, और वो धीरे-धीरे
धीरे एक नॉर्मल इंसान में बदल जाती है। दरअसल ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि ईवान की वजह से उसके फीलिंग्स में बदलाव आ गए थे और उसके सेल्स ने खुद को रिपेयर करना चालू कर दिया था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।